तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास होने वाली है सुपर पावर, जिसकी मदद से हम बहुत ज़्यादा स्पीड में भाग सकते हैं और अपने हाथों से ही एक बड़ा सा बिजली का गोला किसी के ऊपर भी फेंक के मार सकते हैं। तो इस पावर की मदद से हमको हमारे एक दोस्त को बचाना है पुलिस वालों से, क्योंकि पुलिस वाले उसके पीछे भाई बहुत गंदी तरह से पड़े उसको मारने के लिए। तो लास्ट तक बने रहना जानने के लिए कि हम उसे बचा पाते हैं कि नहीं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे गेम की तरफ। तो आपने हमारे पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हमारा एक जिमी नाम का दोस्त है जो कि अक्सर एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो उसने अपने एक दोस्त पे एक्सपेरिमेंट करके उसे एक जायंट राक्षस जैसा बना दिया था। और आपने देखा होगा वो पिछले एपिसोड में जायंट दिखने वाला जो उसका दोस्त था, उसने भाई बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी पूरी सिटी के अंदर और सारे पुलिस वाले उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़े थे। लेकिन भाई हमने कैसे भी करके वो पिछले एपिसोड के अंदर उसको बचा लिया था और सेफ जगह पर ला के उसको मदद कर दी थी। लेकिन वापस से भाई अभी उसको पुलिस वाले को पता चल चुका है उसका लोकेशन, हमारे दोस्त का जो कि जायंट है, तो उसको अभी हमको सेफ लोकेशन पे ले जाना है और उसको बचाना है पुलिस वालों से। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर हम उसे बचा पाते हैं कि नहीं। तो ये रहा हमारा दोस्त जिमी, उसके घर पर हम आ चुके हैं और ये रहा वो जायंट दिखने वाला दोस्त हमारा। और ये भाई हमको क्यों मार रहा है, व्हाट द हेक, इसने पता नहीं हमको क्यों मारा। और भाई अभी हमको इसको बचाना पड़ेगा पुलिस वालों से, ये हमको मार के इधर से भाग चुका है पता नहीं क्यों। तो पुलिस वाले उसके पीछे पड़े इसलिए शायद से भाग के दूसरी जगह पर चला गया है। और यहाँ पर हमारे पास भी जादुई शक्ति आ गई है, मतलब के ताकत, हम भाई बन चुके हैं सुपर हीरो। आपको मैं दिखाता हूँ सुपर हीरो वाली थोड़ी सी पावर भाई। और मैं बिना तक बिजली का गोला मारूंगा, यहाँ पर बच गई भाई गाड़ी, बच गई कैसे भी करके बच गई, मुझे पता नहीं कैसे बची। और मैं आपको भाग के दिखाता हूँ एक बार, देख रहे हो भाई कितनी स्पीड में भाग रहा हमारा बंदा, काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। और मैं रुको एक आधी गाड़ी थोड़ी देर मस्ती करेंगे भाई, इस पावर का पूरा इस्तेमाल करेंगे। सामने भाई पुलिस वालों की गाड़ी पड़ी है, उधर मैं छोड़ता हूँ। और देख रहे पुलिस वालों को गाड़ी मैंने उड़ा दी और ये मेरे सामने आ रहा था, इसको भी मैंने उड़ा दिया है। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मस्ती मैंने कर ली है, शायद से अभी हमको हमारे दोस्त को बचाने के लिए जाना पड़ेगा, टाइम आ चुका है। तो देखते हैं कि हम बचा पाते हैं कि नहीं, मुझे पता नहीं हम बचा पाएंगे कि नहीं, ये जानने के लिए लास्ट तक बने रहना पड़ेगा आपको। तो चलो जाते हैं बचाने के लिए। तो फाइनली हमको हमारे दोस्त ने लोकेशन सेंड कर दिए, तो उधर हमको जाके पहुंचना है जल्दी से। तो यहाँ पर मैंने भागना चालू कर दिया है भाई, अभी तो बहुत ज़्यादा दूर जाना है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा भाई, कितनी भी स्पीड हमारे पास हो दौड़ने के लिए, लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी से हम उधर पहुँचते हैं। और भाई अभी हमारे पास ये ताकत आई है वो एक्सपेरिमेंट से आई है, हमारे दोस्त ने हमारे ऊपर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है जिससे हमारे पास ये ताकत आ चुकी है। तो भाई कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ी देर में शायद से ताकत हमारे साथ चली भी जाएगी, मतलब ज़्यादा देर तक हमारे पास रहने नहीं वाली है, लेकिन जब तक रहेगी तब तक हम भाई पूरा इस्तेमाल करेंगे इस ताकत का और काफ़ी ज़्यादा मज़ा करने वाले हैं। तो जल्दी से भाई लोकेशन पे पहुँचते हैं। और हमारे दूसरे दो दोस्त हैं, एक तो खुद जिमी और एक दूसरा दोस्त है, वो दोनों अभी वो जायंट राक्षस के साथ ही है, मतलब कि जायंट दोस्त के साथ ही है और पुलिस वालों से लड़ ही रहे हैं अभी। तो चलो चलते हैं जल्दी से उधर पहुँचते हैं और उसकी मदद करते हैं। तो फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भाई थोड़े से ही दूर है हम लोकेशन से, जल्दी से मैं भागता हूँ इधर पहुँचता हूँ। और यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा तबाही मचाई हुई है ऑलरेडी भाई, बहुत सारी गाड़ियाँ जली बली पड़ी है, मतलब कि सब अभी वो जायंट दोस्त ने किया है सब कारनामा। अब देख सकते हो भाई इधर से वो निकला है और शायद से भाई बड़ी सी एक गड़बड़ हो चुकी है, शायद से बहुत ज़्यादा पुलिस वाले हमारे पीछे पड़ चुके हैं, मतलब के आप देख सकते हो नीचे हमारे पास मैप दिखा रहा है उसके अंदर भाई बहुत ज़्यादा लोग हमको मारने के लिए आ चुके हैं। और यहाँ पर भाई फायरिंग स्टार्ट भी हो चुकी है और मैं रुको एक हेलीकॉप्टर को फोड़ देता हूँ भाई, क्या ही मारा है तगड़ा। और भाई और भी बहुत ज़्यादा मिलिट्री के आर्मी के बंदे हमको मारने के लिए इधर आ चुके हैं भाई, तो ये सभी को हमको इधर निपटाना पड़ेगा। तो भाई कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, शायद से तो मैं निपटा दूंगा भाई, थोड़ी देर लगेगी। और आप देख रहे हो भाई सारी गाड़ियाँ उड़ जा रही है और यहाँ पर ऊपर से भाई ये क्या गिर गया हमारे सर के ऊपर, क्या भाई टावर गिर गया बोलो सर के ऊपर, और ये टावर के ऊपर ही हमारा बिजली का गोला लग गया। सामने बहुत सारे भाई अलग अलग पुलिस वाले आ चुके हैं गाड़ी बाड़ी लेके, सभी को मेरे को मारना पड़ेगा, शायद बाद में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पुलिस वाले आ चुके हैं आप देख रहे हो। और भाई क्या ही मैंने मारा है, मतलब एक गाड़ी के साथ एक झटके के साथ तीन तीन गाड़ी फोड़ दी, आप देख सकते हो भाई क्या ही तगड़ा शॉट था, मतलब एक ही एक तीर से भाई तीन तीन निशाने, काफ़ी बढ़िया शॉट मारा भाई, मज़ा आ गया। एक ही साथ तीन तीन गाड़ी फूट गई और बहुत ज़्यादा भाई पुलिस वाले थे सभी के सभी मर चुके हैं भाई एक ही झटके के अंदर। और अभी दो तीन गिने चुने बचे हैं तो उसी को मार के बच चलते हैं, वापस से आगे की तरफ बढ़ते हैं, शायद से अभी हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके होंगे। और ये बंदा क्या भाग रहा है काफ़ी बढ़िया तरीके से भाग रहा था। और एक दो बंदे बचे उसको मैं मारता हूँ, निपटाता हूँ और जल्दी से निकलता हूँ इधर से।
तो भाई सभी पुलिस वाले को मैंने मार दिया है, लगभग ये लास्ट बचा है और एक दो और है, लेकिन उसको मारने के लिए मैं इधर रुकने नहीं वाला हूँ। मेरे को अभी आगे लोकेशन मिल चुकी है, तो सीधा उधर भाग के चलते हैं और जल्दी से पहुँचते हैं हमारे मेन लोकेशन पर। और भाई वापस से पुलिस वाले हमको मारने के लिए ना आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। चलो अब आगे बढ़ के ही पता चलने वाला है अभी क्या होगा, तो मैं जल्दी से भाग के पहुँचता हूँ भाई आगे। तो फाइनली हम हमारे दूसरे लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हो। और मेरे को लगता है भाई इधर भी हमारी पुलिस वालों से ही फाइट होने वाली है, तो देखते हैं किससे फाइट हमारी होती है अभी। और पुलिस वाले बहुत सारे शायद इधर भी हमको घेर लेने वाले हैं, मतलब चारों तरफ से हम